लखनऊ के शहीद पथ पर शनिवार देर रात भीषण हादसे में दो लोग जिंदा जल गए। आपको बता दें कि दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मरने वाले डंपर के ड्राइवर और खालसी थे। मृतक की पहचान अंबेडकर नगर निवासी यशवीर यादव और अंकित के रूप में हुई है। घटना के बाद कानपुर रोड की तरफ से आने वाली लेन बंद हो गई है। इसकी वजह से करीब 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। विभूति खंड थाना क्षेत्र के समीप बिल्डिंग के ठीक सामने शहीद पथ पर एक डंपर खड़ा था। पुलिस के मुताबिक गोसाईगंज की तरफ से दूसरा डंपर काफी तेज रफ्तार में आ रहा था। इसने पहले खड़े डंपर में इतनी तेजी से टक्कर मारी कि डीजल का टैंक फट गया। देखते देखते गाड़ी धू धू कर जलने लगी। सूचना मिलते फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग बुझाने तक डंपर पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया था। किसी तरह डंपर के दरवाजे को तोड़े गए और ड्राइवर और खालसी की लाश निकाली गई। आपको बता दें कि शहीद पथ पर जिस डंपर में टक्कर होने से दूसरी गाड़ी में आग लगी वह गोरखपुर के रजिस्ट्रेशन वाला नंबर था। पुलिस का कहना है कि गोसाईगंज थाना क्षेत्र के खनन माफिया रात में सक्रिय होते हैं। यहां देर रात डंपर चोरी की मिट्टी निकालते हैं। इसी दौरान रात के करीब 1 बजे झांसी से गिट्टी लेकर आ रही दूसरी डंपर ने इसमें टक्कर मार दी। गिट्टी से लदे डंपर में आग लगने से ड्राइवर और खालसी की मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।